Dear class 5th student, we are learning English grammar lesson 8, degree of comparison. We had done some let's do question in previous class. Today I will do the rest. Today I will do question number 4. So let us start. Open your book, page number 40. See, today I will do question number 4. Fill in the blanks with the correct forms of the words in the bracket. Make sure you use more and most appropriately. और ये देखिए, माउंट एवरेस्ट इज द ब्लैंक्स पीक इन द वर्ल्ड. बी, दिस बुक इज ब्लैंक्स देन द वन वी सॉ यस्टरडे. सी, बी ब्लैंक्स व्हेन यू क्रॉस द रोड. डी, दैट पर्सन इज रियली वेरी डैश ही गेट्स एंग्री इजिली. ई, विजय इज ए डैश वुमेन she is good at so many things. F, don't touch that cactus bush, it is dash. G, Vaibhav is dash that the work will be done in time. H, I found the boss the about my new idea. इसे हम लोग सॉल्व करते हैं. तो देखिएगा, देखिए ए में माउंट एवरेस्ट इज द, क्या हो जाएगा, हाई दिया हुआ है ब्लैंक्स ब्रैकेट में हाई दिया हुआ है. और मुझे ये कहा जा रहा है कि ब्रैकेट में जो वर्ड है उसको सही रूप सही तौर पर इस्तेमाल करें, जहां जरूरी हो मोर या मोस्ट यूज होगा. ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए, ए माउंट एवरेस्ट इज द highest peak in the world. This book is more expensive. क्या हो जाएगा, more expensive than the one we saw yesterday. इसके बाद B क्या हो जाएगा, ये care से careful हो जाएगा. Be careful, क्या हो जाएगा, केयरफुल प्लैंक्स में. बी केयरफुल व्हेन यू क्रॉस द रोड. उसके बाद डी है, दैट पर्सन इज रियली वेरी इरिटेट. ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, इरिटेट. दैट पर्सन इज वेरी इरिटेट ही गेट्स एंग्री इजीली. उसके बाद ई है, विजया इज ए ब्लैंक्स में रिमार्क ब्रैकेट में दिया हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिमार्केबल वुमेन. विजया इज ए रिमार्केबल वुमेन शी इज गुड एट सो मेनी थिंग्स. उसके बाद एफ है, डोंट टच दैट कैक्टस बुश, इट इज ब्लैंक्स ब्रैकेट में दिया हुआ प्रिक, तो क्या हो जाएगा, प्रिकल. डोंट टच दैट कैक्टस बुश, इट इज प्रिकल. उसके बाद जी है, वैभव इज डैश डैट द वर्क विल बी डन इन टाइम. ब्रैकेट में कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट. वैभव इज कॉन्फिडेंट द वर्क विल बी डन इन टाइम. एच है, आई फाउंड द बॉस ब्लैंक्स अबाउट माई न्यू आइडिया. इंथूजियम है, तो इसको इंथूजियम ही मैं रहने दूंगा. आई फाउंड द बॉस इंथूजियम अबाउट माई न्यू आइडिया. ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 फिल होता है. और आपका ये लेसन नंबर 8 डिग्री ऑफ कंपैरिजन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे देखेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.